हेलो एवरीवन, आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है फालूदे की। इससे पहले कि हम रेसिपी शुरू करें, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट्स करें, साथ ही बेल बटन को प्रेस करें जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं 4 गिलास फालूदा के बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मुझे 4 कप दूध की ज़रूरत होगी और साथ ही 100 ग्राम फालूदा सवैयों का पैकेट चाहिए, जो कि ईजिली सुपर स्टोर से मिल जाता है। आइसक्रीम जो भी आपको पसंद हो और रूह अफ़ज़ा 1/4 कप की ज़रूरत हो। 2 खाने के चमचे तुख्म लंगा के चाहिए। तुख्म लंगा को वॉश करने के बाद 1 कप पानी में भिगो दें और कुछ ड्राई नट्स लें, जिसमें मैंने पिस्ता और बादाम लिए हैं, जिन्हें मैं बारीक बारीक काट लूँगी। तुख्म लंगा को 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगोना है। एक पैन में 1.5 लीटर पानी को बॉईल कर लें, फिर इसमें फालूदा सवैयाँ डालकर 5 से 7 मिनट तक बॉईल करें, या फिर सवैयों के पैकेट पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फॉलो करें। फालूदा सवैयों को 5 से 7 मिनट उबालने के बाद इन्हें छान लें और उनको ठंडे पानी से वॉश कर लें ताकि सवैयाँ ठंडी हो जाएँ, फिर उनको ठंडे पानी में डालकर रखें। क्वार्टर कप रूह अफ़ज़ा दूध में डालकर मिक्स कर लें। एक गिलास में 1/2 टेबल स्पून तुख्म लंगा डालेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा मिल्क डाल दें। इसके बाद तकरीबन 2 टेबल स्पून सवैयों का डाल दें, या जैसे आपको पसंद हो। तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम दूध डाल दें। ऊपर से 2 स्कूप्स आइसक्रीम के डालकर चॉप नट से गार्निश करके सर्व करें। अगर आपको ज़्यादा ठंडा पसंद है तो थोड़ी सी आइस ऐड कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।